ियस एंड वेलकम टू फ्लो रीडर हाउ यूज थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया एट रीडिंग रीडिंग भी ऑफर करती हूँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप लिंक एन नंबर मैं व्हाट्सएप लिंक से क्लिक कीजिए हाई भेजिए और अपनी कराइएम फीस एक्वेरियस ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जी हाँ अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं चल रही है इशूज़ है आप ये वीडियो देख सकते हैं एक्वेरियस लेट्स गेट स्टार्टेड अपने पर्सन को अपने माइंड एंड हार्ट में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए ओके एंजल्स हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स लव लाइफ फॉर एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ मई 2024 नो कांटेक्ट सिचुएशन ओके लेट्स कट द टेक म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज मैनिपुलेशन Current energies of your person is Rebellion, Bapare. Intention of your person is Devotion. Future action of your person is Status. Your energy, detachment and future of this whole connection. Decision. I'm, I'm happy with you, Aquarius, finally. Bottom of the deck is in Eccentricity. I... Mm. Aquarius...

कांटेक्ट होगा और कैसे कांटेक्ट होगा मैं ये भी बताऊंगी आपको ठीक है आई एम वेरी हैप्पी विथ यू एक्वेरियस आई एम प्राउड ऑफ यू अपने लिए तालियां बजाइए अपने लिए इस रीडिंग के बाद जाके एक चॉकलेट खाइएगा आई एम हैप्पी विथ यू अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो ठीक है कोई भी एक रुपए की टॉफी भी खा लेना कोई बात नहीं बट इंजॉय करना म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू मतलब चोर की दाढ़ी पे तिनका उल्टा चोर कोतवाल को, को डांटे मैं अब हिंदी में बोलने का प्रयास कर रही हूँ ठीक है तो मुहावरे नहीं एक्सप्लेन करने वाली ये आपके पर्सन के एनर्जी अब ऐसा हो रहा है एक्वेरियस कि आपने मैं मुझे क्लियर कट ये दिख रहा है एक्वेरियस आपने इस पर्सन के लिए बहुत किया है बहुत किया है। आपने टू एफर्ट्स इस पर्सन के ऊपर डाला है आप वेट करते करते थक गए आप ये करते करते थक गए कि भाई एफर्ट्स दो मैं प्यार कर रहा हूं तो उसका बीस तीस प्रतिशत आप मुझे वापस करो मुझे कमिटमेंट दो यू आर डन विद पर्सन एक्वेरियस एंड ये इनको और ये पर्सन बताऊ क्या सोच रहा है म्यूचुअल एनर्जीज में कि एक्वेरियस की हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझसे कांटेक्ट नहीं छोड़े हाँ मैं तो कमिटमेंट नहीं दूंगा मैं तो हूँ शातर मैं तो हूँ एक लोमड़ी बट एक्वेरियस की हिम्मत कैसे हुई एक्वेरियस क्यों अब पीछे हट रहा है इनको ये ये है कि कि मैं बदतमीजी करूंगा मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा, दूंगा बट एक्वेरियस की हिम्मत एक्वेरियस के औकात कैसे हुई कि वो मेरे से हट रहा है you. You done, like, तुम भाड़ में तुम इतने, इतने ज्यादा शैतान इतने ज्यादा मैन्यूपलेटिव इतने ज्यादा कनिंग पर्सन हो मैं तो दूर हो रहा हूँ ये पर्सन आपको मैन्यूपलेटिव सोच रहा है ये पर्सन सोच रहा है एक्वेरियस बदतमीज है एक्वेरियस कहीं को को मतलब आपको, आपको ना कहीं दिख रहा है जुबिटर एंड स्कॉर्पियो की, की बहुत चलाक है ये सांप है ये बिच्छू है ये नागिन है ये नाग है और कहीं ना कहीं अपनी गलतियां कभी नहीं रियलाइज करेंगे ये दूसरे पर ब्लेम करेंगे ये आपको शादर आपको बदतमीज समझ रहे बट पूरे केस में ये पर्सन है द बदतमीज वन ये पर्सन है ये आपका पर्सन है आप बिल्कुल करेक्ट एनर्जी पे होक्वेरियस और जो लोग मेरे जो सब्सक्राइबर्स है मेरे वो जानते हैं कि जहां जिसकी एनर्जी होती है मैं वहां पॉइंट आउट करती हूँ दिस इज द म्यूचुअल एनर्जी करंट एनर्जीज ऑफ यू पर्सन लड़ना चाहते हैं आपसे मार्स इन एनर्जी है ये कहीं ना कहीं आपको बांधना चाहते हैं कहीं ना कहीं बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी में है कहीं ना कहीं आपका आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं एक केस आया था देर वॉज दिस पर्सन वोज ट्वेल्व एल्डर टू अ गर्ल वो चलो वो जो थे वो बड़े अच्छे थे वो उन्हें प्रपोज कर रहे थे सब कर रहे थे लड़की ने मना कर दिया एक्सेप्टेबल ओके okay, लड़की की नो नो सबकी नो नो रिस्पेक्ट अब वो हट रहे हैं वो वो लड़की तब भी पीछे पड़ी हुई है उस पर्सन की वो पीछा नहीं छोड़ रही वो ब्लॉक कर रहे, वो पीछा, वो, ब्लॉक कर रहे वो पीछा नहीं छोड़ रही इस किस्म की हैीछे पड़ रहे हैं आपके अरे जबरदस्ती है क्या और मैं यही आप लोग को बोल रही हूँ कि बहुत मुझे मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता है अगर सामने वाला नो कह रहा है तो रिस्पेक्ट रखो उसकी नो में एक्सेप्ट करो मूव ऑन करो आप नो को नो बोल रहे हो सामने वाला जबरदस्ती कर रहा है कोई किसी के ऊपर वो नहीं कर सकता ज्यादा ज्यादा है आप प्लीज अपनी मम्मी पापा को बताइए अगर आप लोग अगर आप लोग की ये छोटी है इफ तो कोई किसी की इतनी इतनी ओडासिटी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि कोई जबरदस्ती कर सके चाहे आप भी जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते हो सामने वाला भी आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है और कर रहा है तो मुंह तोड़ जवाब दीजिए आप पुलिस की हेल्प दीजिए इफ यूर अ गर्ल टेक हेल्प फ्रॉम पुलिस टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं और यही इसी इसी किस्म की कंपल्सिव एनर्जी दिख रही है मुझे वही करंट एनर्जी में या, आप, या, या आपको बांध के रखना चाहते हैं आपको यूज करना चाहते हैं अरे बहुत बहुत वाहियात पर्सन है बहुत ही घटिया सोल है जो भी है ये बहुत शात है, है, और ये आपसे लड़ाई करना चाहते हैं आपको बांध के रखना चाहते हैं मेरे हिसाब से दे आर मैरिड मैरिड नॉन ये नहीं चाहते कि आप शादी करें खुश रहें या दूसरे से मूव ऑन करें अरे बिल्कुल ये बिल्कुल ये पर्सन आपकी एक परसेंट खुशियां नहीं चाहता आई एम टेलिंग यू मेरे हिसाब से इनको आपको टॉर्चर करने में इनको रुलाने में बहुत मजा आता है सर्डिस्ट्रिक प्लेजर मिलता है इन्हें प्लेजर मतलब दूसरों को दुखी तकलीफ पहुंचा के खुद को खुशी प्राप्त होना इंटेंशन वट इज इज अरे ये धोखेबाज हैं इनके प्लीज इन, इन इस पर्सन पे पर ट्रस्ट मत करना बिल्कुल भी नहीं सैटन एंड लिब्रा एनर्जी डिवोशन वही इंटेंशन है ये आपको बांध के रखना चाहते ये चाहते हैं, आप इनके नौकर बने रहो द एनर्जी आप इनके स्लेव बने रहो ये आप बने रहो ये बोले हाँ भाई मेरी मर्जी में ये एकदम वही एकदम वैसा वाहियात मैनुपलेटिव पर्सन दिख रहा है जो जिसकी पोजीशन मेरे हिसाब से बहुत हाईली पावरफुल पर्सन इन्हें लगता है कि हम किसी को भी चरा सकते हैं किसी किसी भी इंसान को एज अ स्लेव ट्रीट कर सकते हैं भाई कर्मा है यूनिवर्स है भाई जो भी है इससे दूर हो जाओ एक वेरे से हम टेलिंग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और कॉन्टेक्ट कैसा होगा मैं बताती हूँ कांटेक्ट ऐसा होगा ये लड़ेंगे आपसे ये मैन्युपुलेट करेंगे ये आपको ब्लेम करेंगे ये आपको कहेंगे कि आप मेरे हिसाब से ये भी बोल सकते हैं कि तुम्हारा दिमागी संतुलन खराब है तुम तुम हो एक मेंटल आदमी तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कमिटमेंट कमिटमेंट मांगने की आप कहोगे कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए आई डोंट वॉट एनीथिंग फ्रॉम यू एम डन विथ यू तो आपको झूठ बोलेंगे आपको गिल्टी पे आपको गिल्टी पे वो करेंगे रियलाइज कराएंगे ये बिल्कुल ठीक पर्सन नहीं है जो भी है एनर्जी हाईली नेगेटिव आ रही है मुझे फ्यूचर एक्शन व्हाट इज इज फ्यूचर एक्शन जुपिटर इन टॉरस एनर्जी मेरे हिसाब से इस पर्सन को कोई तो कोई ना कोई आपसे फायदा निकलना विच इज फिजिकल फायदा आपसे का स्टेटस का फायदा कोई तो ये फायदा निकलवाना चाहता है फ्यूचर एक्शन में ये और लड़ेंगे आपसे और ईगो क्लासेस करेंगे एंड ये ये आपके साथ इसलिए जुड़े ताकि इनका फायदा हो और यू आर डन विद यू आर लाइक ठीक है तुम ले लो मेरे फायदा तुम ले लो मुझसे फायदा किसी भी तरीके का फायदा है बट मुझे बीस तीस प्रतिशत अपना फायदा तो दो कमिटमेंट तो दो चलो कमिटमेंट छोड़ो कुछ तो करो तुम तुम कहाँ मेरे हिसाब से इस किस्म का पर्सन है जब इन्हें जरूरत होती तब ये कॉल करते हैं टेक्स्ट करते हैं मिलते हैं आपसे जरूरत निकलते बट जब आपको जरूरत होती है एक भी बार नहीं आए आपकी जरूरत में आपके बैड टाइम्स में और अगर ऐसा है तो क्या कर रहे हो वट आर यू डूइंग विद योर सेल्फ एक्वेरियस ये इसी किस्म का पर्सन है यूज एंड थ्रो करने वाला अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रिश्तों को चलाने वाला ऐसे लोग बहुत पड़े हैं दुनिया में बहुत पड़े हैं टॉफी खाना जाके इस रीडिंग के बाद या तो टॉफी खाना या तो चॉकलेट खाना जो आप अफोर्ड कर पाओ वो खाना टॉफी या तो चॉकलेट खानी है इस रीडिंग के बाद अगर ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो मीठा कुछ खाना है और ये फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ आई एम वेरी हैप्पी विथ यू एनर्जी यू आर डन विद पर्सन यू आर लाइक अरे तुम जाओ यहाँ से आप फुल्ली तरीके से डिटैच हो अब आप समझ गए हो कि ये पर्सन एकदम नॉनसेंस पर्सन है ये आपको ये भी पता ही आएंगे वापस बट यू नो हाउ टू डील विद दिस पर्सन नाउ यू आर लाइक यू एक्वेरियस यू आर लाइक आई डोंट वॉन्ट टू गिव वन पर्सेंट ऑफ माई एनर्जी टू दिस पर्सन आई एम डन विद पर्सन हाँ ठीक है आई एम सेंडिंग यू गुड विशेष आप लाइफ में खुश रहो अच्छे रहो आप कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं सेंड कर करो बट अब आप इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो यू आर डन विद दिस पर्सन एंड इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो अगर अभी भी अटैच हो इस पर्सन से डिटैच हो और मूव ऑन करो दैट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू एक्वेरियस ये नहीं ठीक है ये जो भी है बिल्कुल 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 ठीक नहीं है मतलब मैं तो इनको एक पर्सन का भी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रही हूँ ना ना बिल्कुल ठीक नहीं है पर्सन बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं डिटैच हो जाओ दैट्स द गाइडेंस फॉर यू और अगर आप डिटैच्ड हो जाके चॉकलेट खाइएगा फ्यूचर ऑफ दिस होल एनर्जी मास इन दिस इज इन जेमिनी एनर्जी देखो ये एकदम वैसे ही है षड्यंत्र करते हैं शतरंज खेलते हैं एकदम शतरंज की तरह आपको ट्रीट करते हैं इन्हें लगता है अरे हम तो हम तो दिमाग वाले हैं जो लोग सोचते हैं ना कि हम करेंगे हम मैनिपुलेटिव हैं वही दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ होता है इनका कर्मा बोलेगा इनको बहुत बड़ा कार्मिक लेसन मिलने वाला है आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी एक्वेरियस इस पर्सन को बहुत बड़ा कार्मिक लेसन मिलने वाला है इनको सबक तो सबक तो ये सीखेंगे रियलाइज तो ये करने वाले हैं अभी बहुत और ये बहुत सालों से ये कर रहे हैं बहुत सालों से कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन मेरे हिसाब से प्लीज आपके लिए एक और गाइडेंस आ रही है आप प्लीज अपने करियर पे अपने काम पे ध्यान दीजिए आपका काम बहुत सफर हो रहा है सेकेंडली विद पर्सन ये पर्सन जा, जाते हुए नहीं दिख रहा ये बहुत एकदम लीच है जब चिपक गए और आपका खून चूस रहे इस किस्म का पर्सन है आपको इस पर्सन के साथ बहुत स्ट्रैटी से बहुत दिमाग लगा के डील करने की जरूरत है ज्यादा ही पीछे पड़े आई एम टेलिंग यू यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प एक्स एल्प हमेशा अवेलेबल है ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है ये फिर से चलाके दिखाएंगे इनकी चलाकियों पर इनके झूठ पे विश्वास मत करना बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी विश्वास मत करना एक्वेरियस सी फ्यूचर कुछ भी नहीं है फ्यूचर कुछ भी नहीं और ये जो साइकिल है ना ये जो साइकिल जो मुझे दिख रहा है ये महीनों का सालों सालों का साइकिल चल रहा है नाउ यू आर डन विद दिस पर्सन एक इंसान को ठीक है आप प्यार करते हो मोहब्बत करते हो ठीक है चांस दिया जाता है टाइम दिया जाता है एक बार दिया जाता है दो बार दिया जाता है तीन बार दिया जाता है किसी को भी तीन बार से ज्यादा चांस मत दिया करो ऑलवेज सब हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट हो बट इतना भी नहीं कि तुम तुम मुझे बेवकूफ बनाओ तुम मेरी इमोशनल लीड्स को मेरी लाइफ को तबाह करके जाओ दिस इज योर दिस इज योर होल रीडिंग एक्वेरियस एंड इफ यू सीरियसली रेजोनेटेड विद इट प्लीज लाइक इट और सीरियसली कोई भी इश्यू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है तो कहीं ना कहीं मैं यही बोलूंगी आपको ये पर्सन ये पर्सन इसके इंटेंशन सही नहीं है आपसे कोई गलत काम भी करवाना चाहता है तो बी वेरी केयरफुल डील ही मत करो ब्लॉक कर पर्सन को मैं यही गाइड करूंगी ठीक है दिस वॉज योर रीडिंग एंड बाई एंड टेक केयर एक्स